अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है भैया? सब क्या ठीक है? खैरियत से हैं? तो अभी आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा एक बजीज का सेटअप, और यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे बजीज के हवाले से कि कॉलोनी आप किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से इनकी अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने, मेरे पास हैं तकरीबन 11 से 12 पेयर हैं तकरीबन इनके मेरे पास, और माशाल्लाह से 7 से 8 ब्रीड कर चुके हैं इनमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा पंखा भी लगाया हुआ है। खैर, अभी एक स्टार्टिंग वीडियो है, इसमें सिर्फ मैं आपको सेटअप अपना दिखा रहा हूँ छोटा सा, और उसके बाद फिर आपसे मजीद इस टॉपिक पे बात होगी। जो दोस्त परिंदों के शौकीन हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं अच्छे, इनसे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं अगर आप इन पे सही तरीके से तवज्जो दें। ये आप देख सकते हैं अभी जो वाइट कलर की ये फीमेल है, इसने भी बच्चे निकाले हुए हैं, ये देखिए अंदर जा रही है और ये अंडों पर बैठी हुई है। इसने भी दिए हुए हैं माशाल्लाह से, सबने, ऑलमोस्ट सबने दिए हुए हैं। पिंजरा कितने का बनवाया, किस तरीके से बनवाया, और इसके अलावा कितनी हमें मटकियाँ लगानी चाहिए, कितने पेयर रख सकते हैं एक जगह पे, सब कुछ बताएंगे आपको। बोर्ड है मेरे पास, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हीट नीचे ना आए और सूरज तो बिल्कुल भी ना आए, सूरज की गर्मी। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी जगह है। दरवाज़ा मैंने सिर्फ यहाँ से छोटा रखवाया हुआ है खुराक वगैरह डालने के लिए, और ये एक मेन दरवाज़ा है जो कि पहले यूज़ होता था बाहर आने जाने के लिए, तो फिलहाल अब ये डायरेक्ट पिंजरे में ओपन होता है। तो इसकी मैं बहरहाल आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट करके आप इसे कितने पैसे महीने कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये छोटा सा सेटअप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।